पंजाब के तरन तारण जेल में रविवार को सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपियों के बीच हुई खूनी झड़प में दो गैंगस्टर की मौत हुई। मारे गए गैंगस्टर में मनदीप तूफान और मनमोहन सिंह शामिल। डीएसपी जसपाल सिंह ढल्लो के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि पंजाब के गोइंदवाल साहिब जेल में बदमाशों के बीच हिंसक झड़प में दो गैंगस्टर की मौत हो गई। दरअसल डीएसपी ढिल्लो ने बताया कि मरने वालों में गैंगस्टर मनदीप सिंह तूफान और मनमोहन सिंह मोहाना शामिल है। मनदीप सिंह की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि मनमोहन सिंह मोहाना ने तरन तारण स्थित सिविल अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों में केशव की हालत फिलहाल गंभीर बनी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुरमीत सिंह चौहान ने बताया कि ये सभी गैंगस्टर पर दूसरे मामले में भी आरोपी है। उन्होंने बताया कि मारपीट में कैदी घायल हो गया। चौहान ने बताया कि तीनों गैंगस्टर एक ही ग्रुप के थे। ये मामला गोविंदवाल जेल दे दो ग्रुपां दी आपस च लड़ाई हुई है, जिहड़ी पुरानी चलती आ रही है। एक लारस बिश्नोई ते जग्गू भगवानपुरी ग्रुप, इन्हां दी पुरानी चलती है। पुरानी तो बन्ना बना के लड़े आ, पुरानी इन्हां दी आपस च लगड़ा चलती आ रही है। नहीं, फिलहाल तीन फटड़ होए जिहड़े आपां इत्थे लै के आए। एक मनप्रीत भाऊ है, एक अरशद खान है, तीसरा केशव केश। एक अलग अलग इन्हें बहुत मल्टीपल काफ़ी मुकदमे है। ये हम इन्वेस्टिगेशन करांगे, इन्वेस्टिगेशन क्लीयर हो जाएगा भी कितों लैके कितों प्रोवाइड हुई हैं, जिवें जो भी क्लीयर हो जाएगा। इमीजिएटली पुलिस ने पहुंच के ताहीं बचा लिया जिन्हें बच गए। आपको बता दें कि बीते साल कांग्रेस के टिकट पर पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सिंगर सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब के मनसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई।